लानत है, लानत है तुम सब पर। हम खानदानी लोग हैं, हमारी अपनी इज्जत है, रुतबा है। एक महीने के लिए हम गांव क्या गए कि तुम सब ने मिलकर परिवार की लाख कुतरनी शुरू कर दी। बेटियां हमारे सर की पगड़ी होती है, ये पगड़ी जरा भी बिखर गई तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। सारे बनारस में हम तीनों खानदानों का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, उसे कनकौवा समझ के उड़ाओ मत। शुरू हो गया। लड़कियां वहां दुकान पे बैठी ना जाने कि लड़कों के साथ हंसी ठट्ठा कर रही थी। हम पूछ रहे हैं लड़कियों को वहां जाने की इजाजत किसने दी थी। तुम सब लोग चुप क्यों खड़े हो? तुम तो ज्ञानी शास्त्र विशेषज्ञ हो ना, ये मुंडी मारे क्यों खड़े हो? जी बाबूजी, वो क्या, कौन राजा राममोहन राय बन रहा है? हमें भी तो पता चले ये महान कदम उठाया किसने। बाबा जी, वो मैंने ही बीएचयू में। ओह, तो ये काम तुम्हारा है? अरे हम मर गए थे क्या जो खुदा इतना बड़ा कदम उठाने चल दिए? नाथ, तुम गधे थे, गधे हो और गधे रहोगे। आज तक कोई काम किया है कायदे का? मुंह उठाए चल दिए लड़कों के साथ लड़कियों को पढ़ाने? अरे मैं पूछता हूं, इस शहर में अलग से कोई लड़कियों का कॉलेज नहीं है क्या? नहीं बाबूजी, वो हमने सोचा कि। अच्छा, तुमने सोचा? अरे हम पूछते हैं, पढ़ा लिखा कर इनसे कलेक्ट्री करवानी है, इनकी कमाई खानी है तुम्हें? अरे अगर इन लड़कियों को बाहर की हवा लग गई तो सड़क पे खड़ी होकर इक्कर दुक्कर खेलेंगी। अरे शादी की उम्र हो रही है उनकी। और बाबूजी, अभी से कहाँ, तो क्या बुढ़ापे में सोचोगे? तुम्हें अपनी शादी की सालगिरह मनाने से फुर्सत मिले तब ना उनके बारे में सोचोगे। बहू, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब कान खोल के हमारा फैसला सुन लो, अपनी अपनी बिरादरी में इन लड़कियों के लिए लड़के ढूंढना शुरू करो। ये पढ़ाई लिखाई इनके कोई काम नहीं आने वाली। अरे खुद तो अंगूठा छाप हैं, पढ़ाई की कदर क्या जानेंगे? क्या क्या कहा तुमने? सब समझता हूं मैं, तुम हो समस्या की असली जड़, तुम तो बीच में बोलो ही मत। अरे क्यों ना बोले, यहाँ कोई प्रधानमंत्री या गवर्नर बैठे हैं, क्यों ना बोलेंगे हम? और लड़कियाँ कोई आम जामन नहीं है जो घर में बिठा के उनका अचार डालेंगे। देखो, हम तीन अलग अलग परिवार जरूर हैं, लेकिन अब हमारी बात कान खोल के सुन लो। आज से ये लड़कियाँ कॉलेज नहीं जाएंगी। ने जो कह दिया सो कह दिया। जहां सुमति तह संपति नाना, और जहां कुमति तह विपति निदाना। अरे सठिया गया है बुढ़ो, अगर हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती ऐसा सुनाते कि छन छन आ जाते। पूरे घर को गुलाम बना के रखती है। अरे कोई नहीं मिला तो मेरी फूल सी बच्चियों के पीछे पड़ेगा, पोते को भेज दिया अमरीका पढ़ाने, और पोतियां, अरे बारे अंधेर कर दी। अरे हमारी बच्चियों के जीवे पता नहीं क्या गुजर रही होगी। हमने तो पहले ही कहा था मत जाओ कल्लू हलवाई के। रो मत अलका, चुप हो जा। अब क्या होगा अज्जू? अब हम नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा मत बोल अज्जू। अगर दादाजी ने मना कर दिया ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे गधियों, तुम्हारी दादी जिंदा है अभी।
दादी दादी बस बस चुप हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है रोने धोने की। दादी प्लीज दादी, हमें आगे नहीं पढ़ना, आप दादाजी से बात कर लीजिए प्लीज दादी। दादाजी से क्षमा मांग लेंगे, आज के लिए क्षमा मांग लेंगे हम। दादी क्या दादाजी सचमुच बहुत नाराज है? अगर वो नहीं चाहते तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर उनके गुस्से से कुछ बड़ी चिंता हो रही है बुढ़ो की, उसे भी तो चिंता होनी चाहिए। कैसे चेहरे उतर आए मेरी बच्चियों के? सच सच बताओ तुम आगे नहीं पढ़ना चाहती? अरे तुम आगे पढ़ना नहीं चाहती? अरे गजलो बताओ ना, तुम आगे नहीं पढ़ना चाहती? बस बस अब बहुत हो गया। अरे बुढ़ो उन्हें अगर फरमान दे दे तो क्या रास्ते बंद हो जाएंगे? आज फैसला होके रहेगा। मेरी फूल सी बच्चियों की जिंदगी को मजाक समझ के रखा है। मैं देखती हूँ तुम्हें कॉलेज जाने से कोई कैसे रोकेगा। मैं बात करूंगी। दादी 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 हमारी बात सुनिए। दादी दादी ये करने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ दादी दादी हम घर पे पढ़ाई कर लेंगे दादी, पर आप प्लीज दादी। आज दादाजी बहुत गुस्से में। हाँ जी उनसे बात मत कीजिए, उनका गुस्सा। अरे बस करो, बढ़िया है त्याग की मूर्तियाँ एक कान के नीचे देंगे खींच के। मैं बात करूंगी बुढ़ऊ से और आज ही करूंगी, देखती हूँ अपना फैसला कैसे नहीं बदलता। दादी दादी अम्माजी अम्माजी आप कहाँ जा रही हो? चूड़ियाँ खरीदने जा रही हूँ तुम लोगों के लिए। शर्म आती है तुम्हें कि नहीं? अरे बकार तो फूटता नहीं उस बुढ़ों के सामने तुम्हारा। ये कम से कम ये तो सोचो उन बच्चियों के दिल पे क्या बीत रही है। सहमी हुई है, डरी हुई है बच्चियाँ। पता है क्या कह रही है? कह रही है हमें आगे कुछ करना ही नहीं है, पढ़ाई नहीं करनी है। सच पूछो ना, सबकी सब पढ़ना चाहती है। लेकिन करे क्या, अरे सबके बाप नालायक जो है काए है बुजदिल है। और कैलाश नाथ भूल गया, तू तो बड़े फॉर्म लेके आया था कि मैं लड़कियों का एडमिशन यहाँ करा दूंगा वहां करा दूंगा, क्या हुआ? और तू सत्य प्रकाश, तू तो अपने सिद्धांत तोड़ के उस वाइस चांसलर से बात करने गया था ना अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए ना, तो क्या हुआ तेरे सिद्धांत और आदर्शों का? और वो बिचारी क्या मॉम की गुड़िया ही बनी बैठी रहेंगी? अगर तुम लोग बात नहीं कर सकते ना तो मैं बात करूंगी। मैंने उनकी आंखों में याचना देखी है, उनके सपने उनकी उम्मीदों को कुचलने का कोई अधिकार नहीं है इस ठाकुर अयोध्या सिंह को। आज मैं बात करूंगी, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो यहीं बैठ के अपना सर धुनो। माँ, आप ठीक कह रही हैं। हम सबको मिलके बात करनी चाहिए। कैलाश, अगर आज हम लोग चुप रह गए तो हमारी बच्चियों के दिल टूट जाएंगे। मैं आपके साथ चल रहा हूं।
क्या है? बात करनी है। किसे? किसको बात करनी है? मुझे बात करनी है बुढ़ो। देखो, हमने जो फैसला करना था सो कर दिया, इस पर कोई और बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी कोई बात? तुमने जो कह दिया वो कानून हो गया क्या? माँ, मैं बात करता हूँ। बाबूजी, हमसे गलती हुई कि हमने बच्चियों के एडमिशन के लिए आपसे सलाह नहीं ली। सच तो यह है कि उनका रिजल्ट इतनी देर से आया कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। रास्ता नहीं था या खोजने की जरूरत नहीं समझी गई? इतनी उम्र हो गई तुम लोगों की सत्य प्रकाश, लेकिन बच्चों की परवरिश कैसे की जाए इस बात का सलीका नहीं आया आज तक। हाँ, इन्हें पता है परवरिश कैसे की जाती है। अरे, पोते को भेज दिया अमरीका पढ़ने के लिए, अगर बेटियां पढ़ लेंगी तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी? आ जाएगी मुसीबत। ये जो आए दिन खबरें आती रहती है आजकल, आप लोग अपने कान बंद कर सकते हैं लेकिन हम नहीं। नित्यानंद की बेटी गाली पोत दी उसने उसके मुंह पर, बाकी सारा छोकरे के साथ। गलती किसकी है? उस लड़की की नहीं, गलती उन मां बाप की है जो अपनी संतान को सही शिक्षा नहीं दे पाए। तुम लोगों को लगता है कि हम लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं, लेकिन नहीं, हम इस बात के खिलाफ है कि उन्हें जरूरत से ज्यादा आजादी दी जाए। उनका काम है घर संभालना, चूल्हा चौका करना, सुनने में कितना भी खराब लगे, लेकिन कल उनकी शादी करके उन्हें विदा करना है ना, तो फिर ये सब किस लिए? अरे, कौन सी दुनिया में जी रहे हो बुढ़ो? लड़कियां चांद पे पहुंच गई हैं, तुम्हारे रोके से नहीं रुकने वाली हैं। जब तक ठाकुर अयोध्या सिंह जिंदा है वही होगा जो हम चाहेंगे। कितना वक्त हो गया, दादी अब तक वापस नहीं आई। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे। हमें तो बहुत डर लग रहा है। अज्जू, कुछ सोचना, हमें क्या करना चाहिए? दादाजी का गुस्सा तुझे पता है ना? यही रुको, मैं देखती हूँ वहां क्या हो रहा है। अज्जू, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं पूजा, तुम लोग यही रुको, मैं जाती हूँ। अब तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले। भौजी, भौजी, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारी बच्चियों में जो संस्कार है वो बाहरी दुनिया के संपर्क में ना है। हाँ बाबूजी, आप निश्चिंत रहिए। अरे, क्यों झूठे बातें कर रहे हो तुम लोग? हमारी बच्चियां क्यों कठपुतली हैं? अरे, जमाना बदलेगा, वो भी बदलेंगे अपने आप को। हमारे जीते जी जो परंपरा चली आ रही है वो नहीं बदलेगी, चाहे इसके लिए दुनिया इधर से उधर हो जाए। अरे, ये तो अच्छी जबरदस्ती है। बच्चियां छोटी हैं तो उनपे अपने सिद्धांत थोपोगे? वाह भाई वाह, बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। आएगा वो दिन, बहुत जल्द आएगा जब आप अपने इस फैसले के लिए पछताएंगी, लेकिन तब तक हम सबकी नाक कट चुकी होगी। उड़ाऊ, मुझे अपनी बच्चियों पे पूरा विश्वास है और मैं उनके फैसले पे हमेशा उनके साथ रहूंगी, फैसला गलत हो या सही। योग अभ्यास का समय हो गया है, आप जा सकती हैं। अज्जू, क्या बात है अज्जू?
कुछ नहीं आला भैया। कुछ छुपा रही है अपने भैया से? कुछ है भैया। क्या हुआ अज्जू, बता क्या हो रहा है वहां? बोल दादाजी। दादाजी बहुत गुस्से में है, अब हम क्या करेंगे? हम कर भी क्या सकते हैं? हम कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हमारी वजह से इन तीन घरों में झगड़ा हो रहा है। अगर हम उन्हें जाकर कहते कि हमें आगे नहीं पढ़ना तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ पूजा, तुम ठीक कह रही हो। हमारे परिवार के बीच में हमारी वजह से दरार आ गई तो, लेकिन अंजू तू नहीं तो खाता, तुझे आगे और पढ़ना है। हाँ अलका, हम बहुत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन माँ बाबू जी की खुशियों के लिए अगर हमें हमारी पढ़ाई भी छोड़नी पड़े तो हम छोड़ देंगे। हम सब पढ़ाई छोड़ देंगे। माता, ये हुई ना बात। अच्छा तुम भी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो इन सब में सबसे तेज हो ना। बिना कोशिश किए तुम सब लोगों ने हार मान ली। और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता क्यों नहीं है? भोले बाबा के मंदिर में बैठे हो, थोड़ा पॉजिटिव सोचो, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। चलो कुछ सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई तो हल होगा। सॉल्यूशन मिल गया। क्या? वो नहीं बताऊंगा, वो सरप्राइज है।